हैलो एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू पी डब्ल्यू यू जी सी नेट एंड दिस इज द लेक्चर फोर ऑफ हिस्ट्री तो जैसा कि आप सबको पता है आपकी प्रेपरेशन को और ज्यादा आसान करने के लिए एंड टू मेक योर प्रेपरेशन जर्नी वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग हमने आपके लिए शुरू किया है सार्थक यू जी सी नेट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बैच जहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं क्रैश कोर्स इस कोर्स में हम पूरा का पूरा सिलेबस रिविजन कर रहे हैं विथ क्वेश्चन सो एनी एस्परेंट ऑफ हिस्ट्री हूज

पोज गुप्ता डायनेस्टी एंड अर्ली मिडीवल पीरियड नाउ जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं एंड वी डू पोज गुप्ता डायनेस्टी एंड अर्ली मिडीवल पीरियड दिस इज दैट वन सेक्शन ऑफ द पेपर जहां से क्वेश्चन तो बहुत आता है बट यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह हार्ड लगता है तो आज इस क्लास में हम इन सारे एरियाज को टच करेंगे जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली आते हैं विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज गोइंग टू गिव यू एन एज इन दिस टॉपिक सो वेरी वेरी वॉम वेलकम टू द क्लास बट जो लोग हमें आज पहली बार देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं सो दिस इज लेक्चर नंबर फोर लेक्चर वन टू एंड थ्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें सबसे पहले हमने खत्म किया है प्री हिस्ट्री जहां पे हमने पेलियोलिथिक और न्योलिथिक कवर किया है इसके बाद हमने खत्म किया है आईवीसी देन वी हैव डन दी अर्ली एंड लेटर वेदिक पीरियड जहां पे हमने टर्म्स प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को कवर किया है देन वी हैव डन सिक्स सेंचुरी बीसी जहां पे स्पेशली हमने महाजनपद प्लस बुद्धिज्म प्लस जेनिज्म प्लस हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स को कवर किया है देन वी वेंट टू मौर्य एंड पोस्ट मौर्य पीरियड जहां पे मौर्य के साथ साथ हमारा फोकस था इंडो ग्रीक्स पे वी फोकस्ड ऑन कुशांस वी फोकस स्पेशली ऑन सतवानाज जहां पे हमने इनके सिक्के इनके डायनेस्टी इनके वन लाइन फैक्ट्स हर चीज पे स्पेशली यहां पे फोकस किया था वी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन संगम एज जहां से हर साल क्वेश्चंस आता है एंड देन इन दी गुप्ता डायनेस्टी वेर फोकस वाज ऑन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस थ्री लेक्चर्स तो प्लीज इसको रिविजन कर लीजिएगा ये क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पोच गुप्ता डायनेस्टी से आगे बढ़ेंगे दैट इज स्पेशलीस गुप्ता एंड दी अर्ली मिडीवल डाइनेस्टीज आज के सेशन में हम कवर करने वाले बट समाउ भर -भर ये क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं so, फोकस रहेगा स्पेशली ऑन वेस्टर्न गंग क्योंकि इफ यू से हमेशा क्वेश्चन आता है We will have a focus on Chalukyas. आज के क्लास में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हर्षवर्धना गोइंग टू फोकस ऑन पल्लवाज और हमारी फोकस रहेगी राष्ट्रकूट्स पे तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है जिसपे स्पेशली आज हम फोकस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन ऑन सालंकिया एंड विष्णुकुदीन डायनेस्टीज सो ये कुछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज है जिसपे आज हमारा फोकस रहेगा जो पेपर में रिपीटेड आ चुके हैं देन वील बी सॉल्विंग अर्ली मिडीवल क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी

विथ रेफरेंस टू दोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया हमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि जो क्वीन्स हैं वो स्पेशली गद्दी पे आती है वो स्पेशली थ्रोन पे आती है इन दिस कॉन्टेक्स विच ऑफ दियोर आर करेक्ट अगर आपने पेपर पैटर्न देखा है वुमेन पर्सनैलिटीज पे हमेशा क्वेश्चन आता है एनी टाइम वुमेन पर्सनैलिटीजन चाहे वो एंशेंट हो चाहे वो मिडीवल हो चाहे वो मॉडर्न अर्ली मिडीवल के वुमेन पर्सनैलिटीजर क्वेश्चन भी आया है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया है उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग करेक्ट इन करेक्ट पेयर भी आया है. तो अगर आपने ये क्वीन्स के नाम मिस किए हैं पढ़ते वक्त देन हियर इज द क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर यू सो विजय महादेवी स्पेशली रूलर द डेथ ऑफ क्वीन का नाम है दंडी महादेवी एंड शी इज नोन टू हैव रूल्ड जब तक उनके माइनस नहीं कर लेते पृथ्वी महादेवी इज द वुमन क्वीन ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी हुई थ्रोन बाई टेकिंग हेल्प ऑफ यू एंड धर्म महादेवी

चंद्रदित्य के मृत्यु के बाद पश्चिम गंगा की शासक बनी दंडी महादेवी कदम्बा रानी है कहा जाता है वो अपने बेटे के साथ कुछ टाइम तक जब तक उनके बेटे थे तब तक उन्होंने रूल किया टिल उन्होंने एक एज को अटेन नहीं किया चालुक्य वंश की पृथ्वी महादेवी समानतों की मदद से सिंहासन पर बैठती है धर्म महादेवी और वलकुल महादेवी स्पेशली भौमाकारा रानिया थी मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप मेरे साथ थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आज के सेशन में थ्योरी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन है जो गलत होता है वेन एवर यू डू क्वेश्चन विथ मी ट्राई टू लर्न ट्राई टू एलिमिनेट हो सकता है इसमें से आपको एक दो ना आए तो भी हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं तो लर्न करने की कोशिश करिए आप चलो आई थिंक सबने क्वेश्चन देख लिया है नाउ लेट्स मूव टू दी आंसर तो चलो विजय महादेवी रूलर बनती है स्पेशली ऑफ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ये डायनेस्टी का नाम गलत है ठीक है इनके हस्बैंड का नाम बिल्कुल सही है तो ये आप स्पेशली लर्न कर लीजिएगा चंद्रदित्य डायनेस्टी का नाम गलत है विच मींस कि वन स्टेट अवे हमारा गलत हो गया ठीक है अब कदम्बा क्वीन दंदी महादेवी इज नोन टू हैव रूल टिल हर माइनर अनअटीन मेजॉरिटी आई थिंक एक रानी जिसका नाम हम सब जानते हैं इस कदम्बा क्वीन वी नो कि कदम्बा क्वीन की ये नाम नहीं है ठीक है सो सेकंड हमारा कैंसिल हो गया अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो सेकंड इधर भी है सेकंड इधर भी है ऑटोमेटिकली 4 बिकम्स द राइट आंसर हियर ठीक है सो प्लीज आपको याद रखना है पृथ्वी महादेवी अगेन चालुक्यन वंश की रूलर नहीं है धर्म महादेवी एंड वैकुल महादेवी भौमाकारा डायनेस्टी की क्वींस है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पढ़ के जाना है और अगर आपने मिस किया है तो फटाफट मेरे साथ सेशन में याद कर लो क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है बिकॉज एज आई सेड कोशिश ये है कि क्वेश्चन के साथ साथ रिविजन हो जाए विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है सो यहाँ पे फोर ओनली हमारा आंसर है जो आप सिंपली

ईस्टर्न चालुक्यन की रूलर है विजय महादेवी स्पेशली जो रूलर बनती है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड जिनका नाम है चंद्रदित्य मोस्टली कहा जाता है इन्होंने अपने पांचवें रूलिंग साल में लैंड ग्रांट्स दिया था ब्राह्मण्स को दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर महिला रूलर लैंड ग्रांट्स दे रही है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इन हिस्ट्री जो हमें स्पेशली मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट कदम्बा क्वीन जिनका नाम था दीबा बरसी कहा जाता है

Andi Mahadevi, Dharma Mahadevi, and basically Valkul Mahadevi. These are some of the most important queens of Bhomakara dynasty and Jahape. जो किंग्स होते थे उनके लिए हमारे टाइटल होते थे परम भत्र महाराजा धीराज और स्पेशली परमेश्वर वुमेन महिलाओं के लिए यहाँ पे थोड़े चेंजेस होते हैं ठीक है जहां पे आप देखोगे परम भत्रिका परम परमेश्वरी फेमिनाइज कर दिया गया था टाइटल को मोस्टली फॉर दिस भौमा क्वींस ठीक है सो प्लीज इसको याद रखिएगा क्योंकि मुझे पता है पढ़ते वक्त अगर ये स्किप हो गया तो दिस इज दी नंबर वन टॉपिक जो अर्ली मिडीवल से हर एग्जाम में आता है ठीक है वी विल मूव Forward? अच्छा, second most important question is sources. जब हम early medieval पढ़ते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारे sources आते हैं जो grammar के बारे में बताते हैं बहुत सारे धर्मशास्त्र कंपाइलेशन होते हैं बहुत सारे पोएट आर्किटेक्चर इन सारे सब्जेक्ट्स पे किताबें में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच आर द राइटर्स एंड इनके कौन से राइटिंग के सब्जेक्ट्स हैं विच आर करेक्टली मैच सो ये हमारे राइटर्स के नाम हो गए दिस इज द रूरल जिनपे स्पेशली कोई किताब या जनरली जिनके बारे में इन्होंने लिखा है सो विच इज करेक्ट अगर यह गलत हो रहा है आई एम गोइंग टू गिव यू द नेम ऑफ द बुक सो आपको नाम रखना है द नेम ऑफ द पर्सन मतलब जो राइटर है जिन्होंने स्पेशली किताबें लिखी है हिस्टोरियन स्कॉलर ठीक है कोर्ट पोएट हो गए प्लस बुक का नाम प्लस दी कंटेंट ऑफ द बुक बुक किस राजा के बारे में हमें डिटेल्ड एविडेंस दे रहा है ये हर कुछ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है सो एज ऑलवेज जस्ट अटेंड द क्लासेस रीड दीज क्वेश्चंस क्योंकि ये सब आपको एग्जाम्स में मदद करेंगे डायरेक्ट और एलिमिनेशन में चलो सो संध्या कर दिन किंग महेंद्र वर्मन पद्म गुप्त वी हैव किंग सिंधु राजा बिलहान वी हैदित्य कुमार पाल तो कौन से राइटर हो गए और कौन से किंग के बारे में इन्होंने जेनरली लिख रखा है सो so, जल्दी जल्दी इसे ऑप्शन को देखिए एंड फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए लेट सी इट इन हिंदी तो संध्या कर नंदिन सो वी हैव किंग महेंद्र वर्मन पद्म गुप्त राजा सिंधु राज बिलहान So, राजा generally इन्होंने अपने हिस्ट्री में अपने writings में जनरली किस किंग की चर्चा की है अगर ये गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक तरीके का factual क्वेश्चन है जस्ट लर्न इट up बिफोर the एग्जाम ठीक है तो चलो let's see the आंसर सबसे पहले दिस इज एन इनकरेक्ट पेयर ठीक है रेस्ट ये तीन बिल्कुल सही है सो टू थ्री एंड फोर इज एप्सुल्यूटली करेक्ट बी बिकम्स द राइट आंसर ठीक है सो पद्म गुप्त याद रखिएगा पूरा डिटेल्स भी दूंगी बट इस तरह के क्वेश्चन कोर्ट पोएट्स हो गए उनके फॉर एग्जाम्पल बुक्स हो गए किस रूलर के बारे में लिखे हैं किस रूलर के कोर्ट पोएट कौन किसका कंटेप्ररी है इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन ठीक है सो टू थ्री एंड फोर इसका आंसर होता है आप फटाफट से इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं ठीक है ठीके? आप देखो जो अर्ली मिडिवल पीरियड का लिटरेचर है जो साहित्य है 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 वो हमें डिटेल्ड एविडेंस देता रिलीजियस टेक्स्ट हो गए ठीक लिटरेचर हो गया पोइट्रीज हो गए बहुत सारे वर्ग्स ग्रामर पे मेडिसिन पे मैथमेटिक्स पे म्यूजिक पे आर्किटेक्चर पे ठीक है धीरे धीरे ये रीजनल पॉलिटिक्स बढ़ने लगते हैं एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारे बायोग्राफीजीवनी जो कोर्ट पोएट लिखते हैं ये फोर में आते हैं यही पे सबसे पहली बार मैंने आपको नाम दिया है प्लीज लर्न कर लीजिएगा संध्या कर नंद रामचरित्र जो स्पेशली आपको बताता है अबाउट द हीरो राम एंड पाला किंग रामपाल ठीक है ये आपको लर्न करना है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये किसी भी तरीके से आप पेपर में देख सकते हो इट्स वेरी वेरी कॉमनली आस उसके अलावा पद्म बुद्ध के नम सहन चतिका इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो न्याय सत्यिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो सिंधु राजा रूलर के बारे में बात करते हैं ये मालवा के रूलर होते हैं कैसे इन्होंने प्रिंसेस की जो हाथ है वो जीती थी और इनकी जो प्रिंसेस है उनका नाम था शशि प्रभा बिलहान हैज रिटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली विक्रमदेव चरित्र इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो स्पेशली विक्रमादित्य सिक्स जो चालुक्यन रूलर होते हैं उनके बारे में बताते हैं एंड हेमचंद की कुमार पाल चरित्र जो की संस्कृत और प्रकृत में है जो स्पेशली आपको कुमार पाल के बारे में तो बताती है प्लस ये बुक आपको ग्रामर की एविडेंसिस भी देती है ठीक है सो so इसमें इनके नाम ठीक है कौन सी किताब इन्होंने लिखी है एंड किस रूलर के बेसिस पे ये किताब है like, किस रूलर को स्पेशली इंपॉर्टेंट सोर्स है स्टेटमेंट बेस्ड में रिवाइज kind of तो -फट कर लेना और अगर आपने ये मिस किया है तो इसको फटाफट से क्लास में खत्म कर लीजिए ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट पॉइंट जब भी आप डाइनेस्टीज पढ़ोगे ना तो आप कोर्ट पॉइंट जरूर देख लेना कौन किस राजा से जुड़ा हुआ है कौन किस भाषा किस लैंग्वेज में लिखता है किसकी बुक की नाम क्या है वो बुक का बेसिक कंटेंट मैटर क्या है ठीक है कौन किसका कंटेम्प्ररी है ये हमेशा पूछा जाता है ऑल ओवर हिस्ट्री चाहे आप एंशियंट पढ़ रहे हो या मिडीवल ठीक है सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम टेक्सटुअल कंपाइलेशन की बात करते हैं तो धर्मशास्त्रा बहुत सारे कंपाइल हुए थे बहुत सारे कमेंट्रीज थे जो अर्ली मिडीवल पीरियड में आते थे ठीक है दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है दिस टॉपिक Is there. क्योंकि year में आप देखोगे, उनका किसने मनुस्मृति की कमेंट्री की है किसने यज्ञ वल के स्मृति की कमेंट्री की कमेंट्रीज पे हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं अगर आपने पेपर पैटर्न देखा है ये क्वेश्चन उस पार्ट को फटाफट से आपको क्लियर करवा देगा ठीक है अब देखो विघ्नेश्वराज कमेंट्री जिसका नाम था बेसिकली व्याव मात्रिका ये अथॉरिटी बन जाती है टेक्स्ट हिंदू लॉ पे चतुर्वंशतिका स्पेशली पुट टुगेदर द टीचिंग्स ऑफ 24 फोर लॉ गिवर्स स्पेशली वो लॉ जो इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है इट वाज़ कॉल्ड दी दयाभागा और इसको बेसिकली जीवित ने कंपाइल किया था एंड विजनेश्वरा एंड अपारिका ये दो इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स है जिन्होंने कमेंट्री की थी यज्वल so गलत हो रहा है तो इसको फटाफट से लर्न कर लेना क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं आपको दस ऐसे कंटेम्प्ररी के नाम देने वाली हूं मैं आपको प्रॉपर कमेंटेटर्स के नाम देने वाली हूं मैं आपको उन इंपोर्टेंट लॉ बुक्स के बारे में बताने वाली हूं जो पेपर में भर भर के आता है ठीक है Now, की टिप्पणी जिसका शीर्षक है व्याक्रमिक स्पेशली ये हिंदू कानून हिंदू लॉ के बारे में बताता है चतुर्वर्ग वेरी इंपॉर्टेंटली चतुर्वर्ग शतवन 24 कानून के बारे में बताते हैं जो कानून लिखे गए थे उनके शिक्षकों को बेसिकली 24 फोर को एक साथ समराइज करते हैं ठीक है देन वेरी इंपॉर्टेंट दाए नामक विरासत पर कानून का संग्रह जिमुत वाहन ने किया था एंड विज्ञनेश्वर एंड अपारक ये बेसिकली कमेंटेटर्स है यज्ञवल के स्मृति के सो विच ऑफ फॉलोइंग हियर करेक्ट ठीक है सो so कौन सी स्टेटमेंट सही है लेट्स सी चलो अब इसको लर्न कर लीजिएगा ये गलत है क्योंकि यस विघ्नेश्वर ने कमेंट्री की थी हिंदू लॉ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बट ये टाइटल जो है ये टाइटल हमारा गलत है रेस्ट ये तीन बिल्कुल सही है टू थ्री एंड फोर हमारा राइट आंसर होता है प्लीज इसको एग्जामिनेशन के लिए लर्न कर लीजिएगा ठीक है आप अब मैं आपको पूरा डिटेल्ड एविडेंस देती हूँ पढ़ने के लिए ठीक है देखो जब हम अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करते हैं बहुत सारे धर्मशास्त्र कंपाइलेशन होते हैं बहुत सारे कमेंट्रीज यहाँ पे आने लगते हैं वन ऑफ द बेस्ट इज इज चतुर्विम शतमतिका दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली और ये चतुर्विम शतमतिका जो है ये स्पेशली 24 लॉ गिवर्स के टीचिंग्स को एक साथ संग्रह करता है उनका कंपाइलेशन करता है ठीक है जिमुद वाहन स्पेशली एक का वर्क लिखे थे प्रोसीजर लॉ पे जिसको कहा गया है प्लीज इसको नाम याद कर लीजिएगा विच इज स्पेशली कॉल व्यावरा मतलब और इन्होंने एक पूरी की पूरी बुक लिखी थी ऑन इनहेरिटेंस लॉ जिसको स्पेशली कहा गया है एंड मोस्टली ये किताबें बंगाल में काफी ज़्यादा हो जाती है. तो कौन सी किताबें जो प्रोसीजर लॉ के, के बारे में बात कर रही है कौन सी किताबें जो इनहेरिटेंस लॉ के बारे में बात कर रही है ठीक है तो प्लीज इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा उसके अलावा बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं Which is very important for इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में आ चुका है जिन्होंने मनुस्मृति पे कमेंट किया था जैसे देन वी हैव गोविंद राजा एंड देन वी कुलक्का कई बार ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में भी इनका नाम आ जाता है वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है ठीक है तो ये मनुस्मृति के कमेंटेटर्स को याद रखिएगा स्पेशली एंड अपारका ये दोनों कमेंटेटर्स थे ज्ञवल्क्या स्मृति के एंड ये जो विजनेश्वरा थे इनकी कमेंट्री का नाम मिताक्षरा था, जहां पे स्पेशली हिंदू लॉ हिंदू कानून के बारे में इन्होंने बहुत सारे डिटेल्ड एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आफ्टर दिस क्वेश्चन आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन राइट नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये वाइनर क्वेश्चन है अगर ये गलत होगा तो यू कैन जस्ट कीप यर आंसर इन दाइंड क्योंकि रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स और रिलीजियस पेटर्न हमेशा Question aata hai. And I think this question is actually an indicator of that.

कथा में कहती कि भाई एक विलेज दिया गया था टू अ जैन सेंट जिनका नाम था वज्र फॉर दी वर्शिप ऑफ जीना उसके साथ साथ एक और शिलालेख हमें मिलता है इन कर्नाटका जो स्पेशली हमें बताते हैं कि हाँ एक टेंपल डेडिकेट किया गया था टू अरहत्स बाय द मदर ऑफ अ पल्लवा किंग जिनका नाम था सिम्हा विष्णु सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्योंकि जब भी हम डायनेस्टीज पढ़ते हैं कौन से डायनेस्टीज किस रिलीजन को पेट्रोनाइज करती है इस पे हमेशा आता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर इंस्क्रिप्शनल स्पेशली पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि अर्ली जो है इन्होंने जेनिज्म को पेट्रोनाइज किया था सो so ये दोनों इंस्क्रिप्शन के नाम याद रख रहे हैं इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है सो देर इज नथिंग टू वारी एट ऑल ठीक है तो इसको करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न गंगाज कौनकानी वर्मन जो कि फाउंडर थे वेस्टर्न गंगास के कहा जाता है कि ये स्पेशली एक जैन सेंट के मदद से पावर में आए थे वो जैन सेंट का नाम क्या है तो ये क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन अगेन आपका वेस्टर्न गंगास और उनका जैनिज्म के साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है सो रेफरेंस टू वेस्टर्न वर्मन जो कि फाउंडर थे इस डायनेस्टी के कहा जाता है कि ये पावर में आए थे विद हेल्प ऑफ अ जैन संत जिनका नाम था सिम्हानंदी माधव द थर्ड हरि वर्मन या कीर्ति वर्मन अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन तो अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो बस इसको दिमाग में रखना है सो द करेक्ट आंसर हियर इज सिम्हानंदी आप इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं वेस्टर्न गंगाज एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी मोस्टली इन साउथ स्पेशली कर्नाटका रीजन अगेन ये भी जैनिज्म को पेट्रोनाइज करते थे कहा जाता है इंस्क्रिप्शन में कि इनके जो फाउंडर थे जिनका नाम था कौन कानी वर्मन कहा जाता है कि ये पावर में आए थे विद दी हेल्प ऑफ अ जैन संत जिनका नाम है आचार्य सिमह पांचवी शताब्दी की शिलालेख भी हमें मिलती है स्पेशली नोन मंगला में जो कहती कि हां माधव द थर्ड ने भी स्पेशली लैंड ग्रांट दिया था टू अ टेंपल उसके अलावा देर आर इंस्क्रिप्शन जो ये कहती कि अविनिता के टाइम पीरियड में लैंड ग्रांट स्पेशली हुए थे जेनिज्म के लिए विच मीन्स की अगर हम वेस्टर्न गंगा की बात करते हैं सो so, कौन का किंग माधव एंड अविनीता ये स्पेशली रिमेंबर ये रूलर्स के नाम आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूलर्स हमें जनरली जेनिज्म के टाइम पीरियड और जेनिज्म के बारे में बताते हैं कि जेनिज्म फ्लरिश कर रहा था नहीं कर रहा था एंड किस तरीके से लैंड ग्रांट्स दिए गए थे उनके लिए तो अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द बेसिक फैक्ट्स क्योंकि इंटेंशन ये है कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना तो ये दोनों शिलालेख का नाम याद रखिएगा जेन संत का नाम याद रखिएगा एंड जस्ट द नेम ऑफ द रूलर्स जिन्होंने स्पेशली लैंड ग्रांट्स दिया था फॉर जेनिज्म

रुद्रदेव सक्सीड हुए थे बाय हिज ब्रदर गणपति देव एंड सन महादेव रुद्रमा देवी वाज एबल टू रिपल्स तमिलनाडु एंड गंगास ऑफ उड़ीसा एट सेंचुरी की वर्क है जिसको कहा जाता है प्रताप रुद्र जो उनके बारे में रेफरेंस देता है सो विच ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट जब हम रुद्रमा देवी के बारे में बात करते हैं सी इट इन हिंदी रुद्रमा वरांगल ककात्या वंश की चौथी स्वतंत्र शासक हैं रुद्रदेव के उत्तराधिकारी उनके भाई गणपति और उनके पुत्र महादेव हैं रुद्र महादेवी दक्षिण तमिलनाडु के पांड्याज उड़ीसा और गंगा को खदड़ने में समक्ष थी एड शताब्दी की किताब दैट इज प्रताप रुद्रिया नामक किताब उनके बारे में आपको एविडेंस देता है इसको आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं सो so, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इनपे मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में आ चुका है so क्या हम इसको पढ़ सकते हैं क्या हम इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं सी ओके देवी रूलर ऑफ ऑफिया डायनेस्टी बिल्कुल सही है सक्सेडेड बाय हिज ब्रदर गणपति देव ये रॉन्ग है रुद्रमा देवी वॉज एबल टू रिपल्स तमिलनाडु बिल्कुल सही है एंड प्रताप रुद्र इनके बारे में बताता जरूर है बट दिस इज नॉट एन एट सेंचुरी वर्क ठीक है सो so आप इसको सीधा सीधा एलिमिनेशन कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन ठीक है वन एंड थ्री बिकम्स द राइट आंसर वॉज द फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ पे नाम में गलतियां ये मैंने आपको क्यों दिया है क्योंकि कभी कभी ना इस तरीके के क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आपको ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाता है जो आपको गलत नहीं करना है.

सो रिमेंबर हियर रुद्रदेव ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर महादेव महादेव के बाद आते हैं गणपति देव कहा जाता है गणपति देव के कोई बेटे नहीं थे स्पेसिफिकली और वो सिलेक्ट करते हैं उनकी बेटी रुद्रमा देवी को एज द हेयर टू द रूल बाद में कुछ टाइम तक ये ज्वाइंटली रूल करते हैं बाद में शी टोक्स टेक्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हमारे पास इनके बारे में एविडेंसेस भी है ट्वेल्व टाइम पीरियड ऑनवर्ड का इंस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली रुद्रदेवी को डिपिक्ट करते हैं एज किंग एंड कहा जाता है इन 1289 इनकी 1289 इनकी डेथ हो जाती है अब रुद्रद्वा देवी वॉज एबल टू फाइट पांड्याज ऑफ तमिलनाडु ईस्टर्न गंगाज ऑफ उड़ीसा एंड सोनाज ऑफ देवगिरी एट द सेम टाइम इनको टाइटल भी दी जाती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राया गज केसरी लायन टू दिलिफेंट लाइक एनिमी किंग्स है ना तो ये उनकी वॉरियर नेचर उनकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से उनका बॉम्बास्टिक रूल था उस पर स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जामिनेशन मदद करेगी तो ये क्वेश्चन प्लस जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास में किया प्लीज उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इनके बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेसिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये इंस्क्रिप्शन का डेट है 556 इयर्स ऑफ शाका एरा पुलकेसिन द सेकंड स्पेशली रेफरड टू एज सत्यश्रय रवि कीर्ति अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं आज कालिदास एंड <laughs> मतलब ये line, one liner, कि रवि कीर्ति अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं और ये मल्टीपल टाइम्स आपको पेपर में आ चुका है इट इज द नाइनटीन लाइन इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत वर्ड जो कि स्पेशली मेगोती टेम्पल ऑफ आई होल में एम्बिडेड है

इंस्क्रिप्शंस पे हमेशा थ्योरी और इंस्क्रिप्शंस पे हमेशा वन लाइनर क्वेश्चंस आपको आते हैं ठीक है सो प्लीज इसको याद रखिएगा थ्योरी एंड वन लाइनर क्वेश्चंस लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

है. है. ये भी बिल्कुल सही सही so क्योंकि सारे statements सही है. अगर इसमें से किसी एक स्टेटमेंट भी आपको नहीं आता था और आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा ठीक है सो so ऑल these statements आर करेक्ट सो प्लीज लर्न दिस up इनके बारे में

इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रपूत राजा कृष्णा द फर्स्ट के टाइम पीरियड में बना था कृष्णा द फर्स्ट ने स्पेसिफिकली लिखा है कवि राजमार्ग जो बेसिकली किताब है आर्किटेक्चर पे ठीक है उसके बाद थर्ड के टाइम पीरियड में कन्नौज पे कब्जा किया गया था एंड शताब्दी के एंड में परमार ने मान्य खेत पर स्पेशली आ, इस पे किया था और स्पेशली राष्ट्रकूट वंश का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो चुका था सो ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट राष्ट्रकूट एंड देयर पोलिटिकल हिस्ट्री टेक्निकल ये क्वेश्चन पोलिटिकल हिस्ट्री पे है जल्दी जल्दी से देखो अब मुझे आंसर बताओ अभी तक आपको क्लिक करना कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक पोलिटिकल हिस्ट्री है इसमें कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं है जो आपको नहीं पता रहेगी अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिक्स दिसंबर हमारा टेंटेटिव डेट है एंड कीपिंग बाय दैट डेट अभी आपका लास्ट रन थ्रू रिविजन चल रहा होगा सो दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एट ऑल लेट्स सी

जगह क्या खत्म कर दिया वन थ्री एंड फोर बिकम्स द राइट आंसर हियर ठीक है सो अगर इसमें से कोई भी ऐसी एक लाइन है जो आपको नहीं आती थी तो आप उसको अभी के अभी मेरे साथ लर्न कर लीजिए क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री है ठीक so है सो यू शुड नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम चलो राष्ट्रकूट एम्पायर एक्सपैंड होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दांति दुर्गा एंड हिज सक्सेस स्पेशली कृष्णा द फर्स्ट गोविंद द थर्ड एंड अमोघ

स्पेशली बिल्ड न्यू कैपिटल ऑफ मान्य खेत कहा जाता है पेट्रन थे जिन्होंने स्पेशली लिखा था कविराज मार्ग जो कि कन्नड़ वर्क थी पोइटिक्स में आर्किटेक्चर पे नहीं ठीक है सो प्लीज इसको याद रखिएगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब भी हम क्वेश्चंस करते ठीक है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यू नो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक कि किसका नाम कहाँ पे लिखा है किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन में जब भी आप पेपर की तैयारी करते हैं ठीक है देन He was a patron of literature and a scholar, and he wrote Kaviraj Marge. अब आपको question में क्या आता है? Generally अगर आप theoretical question देखते हो, so these questions come. कौन किसका contemporary है? कौन किसका patron है? Later Rashtrakuta kings, specially जैसे Kanauj was captured during the time of Indra Third, 10th century के time period में Parmar sacked Manekhet and eventually dynasty का decline हो गया. तो कई बार क्या होता है ना जब हम questions पढ़ते हैं, तो हम एक part पढ़ते हैं. ये question का technique ये है कि आपको हर कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये सही है नहीं क्या ये सही है स्पेशली किस चीज में वर्क लिखा क्या नहीं दोनों तरीके से एलिमिनेट करो आप देखो कन्नौज आप देखो इंदिरा द थर्ड आप टाइम पीरियड देखो आप बेसिकली रूलर्स के नाम देखो सो so, इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे इसमें कैलाशनाथ बेसिकली टेम्पल एंड कृष्णा द फर्स्ट इस टाइप के पोलिटिकल थोरिटिकल स्टेटमेंट्स में दो ऐसे स्टेजेस होते हैं कई बार क्या होता है हम पहला वर्ड को पढ़ के मार्क कर देते हैं पहला वर्ड को पढ़ के हम मार्क कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट दो तरीके से गलत है आर्किटेक्चर भी नहीं है और ये भी नहीं जो भी आपको स्ट्राइक करेगा उस हिसाब से आप स्पेशली इनको कर सकते हो ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए

जो म्यूरल है 10, so, इन दी सदन वॉल ऑफ चें टेन इट मोस्टली रेप्रेजेंट राजा चोला एट सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब हम बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में बात करते हैं सो so, जल्दी जल्दी से देखो और आप बता दो सम ऑफ यू आर डूइंग वेल कुछ लोग जिनका गलत हो रहा है आप बस इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि दी इंटेंशन यूर इज टू गिव यू एज मच एज नॉलेज एज पॉसिबल पढ़ते वक्त अगर ये चीजें मिस हो गई हैं सो ये आपकी काम आसान करने के लिए है ठीक है शिव को समर्पित राजा राज के शासन काल में ये बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया था इस मंदिर के दीवारों पर नटराज और हरिहर रूप में ही शिव का चित्रण है अन्य देवताओं जैसे गज लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा विष्णु गणेश का भी चित्रण है कक्ष नंबर टेन की दक्षिण दीवार पे स्पेशली आपको राजा राज चोला के एविडेंसेस मिलेंगे कि ये दक्षिणा मूर्ति के रूप में शिव के प्रमुख भक्त है ये इसकी प्रस्तुति का प्रतीक है सो विच ऑफ दोल्यूटली करेक्ट अब uh, मोस्टली आपको फोर्थ वाले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है ये मैंने बस इसलिए दिया कि अगर आपने मिस किया है तो आप इसको स्पेशली पढ़ लोगे ठीक है नाउ लेट्स रीड दिस द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजराज ये बिल्कुल सही है द वॉल्स ऑफ राजा राजेंपल शिवजी को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे फॉर्म में वन ऑफ हिस्स नटराजन हरियारा फॉर्म और भी फॉर्म सिर्फ ये नहीं मतलब दो गलत है अगर आपने इसमें एलिमिनेशन किया तो टू इधर से कट गया वन एंड थ्री बिकम्स द राइट आंसर हियर यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम शिवजी एंड शिव जी, जी के अलग अलग फॉर्म्स आपको लक्ष्मी जी सरस्वती जी दुर्गा जी विष्णु जी गणेश जी ये सारे देवी देवताओं की प्रतिमा मिलेगी एंड यहाँ पे ये यह चेंबर नंबर गलत है इट्स नॉट चेंबर नंबर टेन इट विल बी चेंबर नंबर फाइव यहाँ पे स्पेशली आपको राजा राज चोला मिलेंगे जो अपने को परम भक्त दिखाते ऑफ शिव जी इन दक्षिणामूर्त अब ये है क्या अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है अब देखो जनरली जब हम तंजोर की बात करते हैं ये चोलास के टाइम पीरियड में बहुत ही पॉलिटिकल और सेरेमोनियल सेंटर था एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये जो कावेरी डेल्टा है वहां के वेस्टर्न टिप में सिचुएटेड था इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही मेजर क्योंकि फर्टाइल एरिया है डेल्टा का स्पेशली आप देखोगे ये साधन वेस्टर्न टिप में विच मीन दिस एरिया

आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इसके अलावा गज लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा विष्णु गणेश जी इन सारे देवी देवताओं की प्रतिमा भी है एंड स्पेशली यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है ऑफ शिव जी इन त्रिपुरंतक फॉल इसका मतलब क्या है ये पौराणिक स्टोरी के हिसाब से जहां पे भगवान जो है वो स्पेशली डिस्ट्रॉय करते हैं तीन सिटीज को फोर्ट्स को ठीक है डीमंस के अपने एक एरो फॉर्म ऑफ शिवजी एंड कहा जाता है कि ये जो त्रिपता का फॉर्म ऑफ शिवजी था ये चोला के पहले उतना ज्यादा कॉमन नहीं था इट इज ओनली इन बृहदेश्वरा टेम्पल सी जो विमान था, था इसमें आपको स्पेशली ये देखने को मिलता है ठीक है सो so, इसके पहले इट वॉज नॉट दैट पॉपुलर तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा हैं जो आपको स्पेशली याद रखने हैं तो प्लीज उसको याद रख लीजिएगा हर वो चीज जो आपको जरूरत है मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे दिया है है ठीक इसके अलावा हमारी आर्किटेक्चर पे एक अलग सी सेशन है जहां पे हम मंदिर को और भी डिटेल्स में करेंगे ठीक है ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है बानभट कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड्स थे जिनका नाम था सर्वपल्लीपति कहते हैं कि लोग ना बहुत टैक्स होते थे और राजा वन फोर्थ ऑफ द प्रोड्यूस ले लेते थे मेंशन करते हैं शब्द लाइक भागा एंड भोगा बंसेरा एंड सौगुरा इंस्क्रिप्शन मोस्टली इस टाइम पीरियड का है जो हमें राजा के बारे में एविडेंस देता है कि राजा के पास बोट है एलिफेंट है एंड हॉर्सेस है तो जब हम हर्षवर्धना टाइम पीरियड की बात करते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही

पूरा पूरा डिटेल रेफरेंस है कि जो राजा थे उनके पास नाव हाथी और घोड़े उनके स्पेशली आर्मी में जनरली शामिल थे विच ऑफ हियर इज करेक्ट हर्षवर्धन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से सो so कौन सी स्टेटमेंट सही है जल्दी जल्दी से बताइए विच इज करेक्ट एंड ऑल्सो एलिमिनेट क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है हो सकता है इस चार में आपको दो ना आता एज लॉन्ग एज आपकी एलिमिनेशन टेक्निक स्ट्रांग है देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इश्यू हियर सो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है चलो अब इसको करके देखते हैं सी हियर सबसे पहले भट्ट मेंशन करते हैं फॉरेस्ट गार्ड्स जिनको कहा जाता है सर्वपल्लीपति दिस इज रॉन्ग ठीक है ंग कहते हैं कि लोग लाइटली टैक्स थे और राजा वन फोर्थ ऑफ द शेयर नहीं लेते थे दोनों गलत है इंस्क्रिप्शन स्पेशली मेन्शन डूज लाइक भागा एंड विच इज करेक्ट बंसखेरा एंड सो गुड़ा बर सौगोरा इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शन है जो हमें देते हैं में. तो पे इस इंस्क्रिप्शन का नाम ही गलत है क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन का यहाँ पे कोई जगह नहीं है अगर आपने हर्षवर्धना पढ़ा है तो दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो कई बार रिपीट होते हैं तो यहां पर इंस्क्रिप्शन ही गलत है विच मीन सिर्फ तीन ही आंसर हो रहा है क्योंकि बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ठीक है सो so प्लीज याद रखिएगा ये स्टेटमेंट गलत हो गया लोगों को टैक्स कम लिया जाता था राजा का शेयर भी गलत है इसके अलावा ये सही है इंस्क्रिप्शन में भाग और भोग टर्म्स है एंड सौगोरा गोरा शिला लेख इज नॉट ऑफ दिस पीरियड सो सिर्फ और सिर्फ तीन हमारा सही आंसर होता है नाउ जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा एविडेंस फॉर एग्जामिनेशन बानभट्ट कहते हैं कि हाँ फॉरेस्ट के गार्ड्स थे जिनको वन कहा जाता था ऑल्सो ऑफिसर्स र मैंशन ऑफ ऑफिशियल जिसको सर्वपलीपति कहा जाता था बट कहा जाता था कि ये पूरे गांव के चीफ है इंस्क्रिप्शन में भागा भोगा कारा हिरण्या ये सारे शब्दों का मोस्टली उल्लेख है जो पहले के शिलालेख में भी आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि हर्षवर्धना में इट वॉज स्पेशली यूनिक उसके अलावा हुआन सांग कहते हैं कि भाई लोगों को ज्यादा टैक्स नहीं किया जाता था और राजा वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस जो है ये स्पेसिफिकली लिया करते थे उसके अलावा हुआन सैंग ये भी कहते थे कि आर्मी में पैदल चलने वाली सेना घोड़सवार सेना रथ हाथी ये सारे लोग मौजूद थे। and and प्लीज इसको याद रखिएगा। इस शिलालेख में में हमारे पास रेफरेंस है कि राजा के कैंप में जब वो जीतते थे तो उनके पास नाव उनके पास हाथी उनके पास घोड़ा ये सारी चीजें रहती थी तो जनरली जब हर्षवर्धन पढ़ते हुए Paper. तो कुछ याद रखिएगा ये टर्म्स के बारे में भी याद रखिएगा सो दैट इन क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा इसमें बिल्कुल भी गलत ना हो ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

The Karamandaka stone inscription mentions Pakana Rashtra. So, which of the following here is correct? With reference to Vakatakas, which of the following statements here are correct? स्पेशली है राजा गवर्नर्स राज अधिक्रता प्रांत फॉर सब डिवाइडेड होते मकान स्टोन इंस्क्रिप्शन मोस्टली हमें इस तरीके के राष्ट्र का एविडेंस देते हैं सो विच ऑफ दर इज करेक्ट टाक साम्राज्य को राज या उपरिकक नाम प्रांतों से विभाजित किया जाता है राजा का प्रशासन राजपालों द्वारा किया जाता है जिसको राजधिकृत भी कहा जाता है प्रांतों को आगे विषयों में विभाजित किया जाता है जिसको हम आहार भोग या भुक्ति भी कहते हैं कर्दम का शिलालेख जो है वो पकाना राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है इट्स टेलिंग यू कि हैं राष्ट्र था और ये इंस्क्रिप्शन उसको जस्टिफाई कर रहा है सो ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट जब स्पेशली हम के बारे में बात करते हैं तो जल्दी जल्दी इसे आंसर बता दीजिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो गुप्ता का हो चाहे वो मौर्य का हो चाहे वो वाका टाका का हो चाहे वो हर्षवर्धना का हो चाहे वो मुगल हो डेली सल्तनत हो

सेज व सब डिवाइडेड इनटू विश्यास विच व है कर्दमका स्टोन इंस्क्रिप्शन कर्दम बिलोंग करता है शिलालेख है इट बिलोंग्स टू द रूलर कुमार गुप्त और ये इंस्क्रिप्शन आपको किसके बारे में एविडेंस देता है कुमार मत्या के बारे में एविडेंस देता है ये इंस्क्रिप्शन आपको कहता है कुमार मत्या के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव

गुप्ता एम्पायर इज डिवाइडेड इन टू प्रांत गुप्ता एम्पायर हो गया ठीक है एक प्रांत में डिवाइड होता है दे आर डिवाइडेड इन टू प्रांत जिसको हम स्पेशली कहते थे देशास या भुक्तिस ठीक है ये देशाज और भुक्तिस को एडमिनिस्ट्रेट करते थे मोस्टली गवर्नर्स ठीक है जिसको हम उपारिकास भी कहा करते थे ठीक है तो ये प्रांत हो गया इट इज डिवाइडेड इनटू देशास इन भुक्ति अब फर्दर जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो ये प्रोविंसेस फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं इनटू डिस्ट्रिक्ट्स ठीक है सो ये प्रांत फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं इनटू डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं विश्यास एंड जिसके ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं विश्यपति ठीक है मोस्टली कहा जाता है ये जो विषयापति है इसको ये जो गवर्नर है ये अपॉइंट करते थे हाउ ऐसा केस नहीं है कुछ कुछ हमारे पास इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस भी है जिसमें कहा जाता है कि राजा नहीं जैसे कैसे आपके साथ फेवरेटिज होता है कभी कभी आपने देखा होगा पार्शालिटी होती है। तो हमारे पास ऐसा भी एविडेंस है कि मोस्टली गुप्ता पीरियड इज डिडेड टू प्रांत जिसको हम देशाज एंड भुगतीस कहते हैं जिसके हेड होते हैं गवर्नर फिर उसको डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो होता है विश्वास इसको रूल करते हैं विषयापति मोस्टली ये जो गवर्नर है ये स्पेशली विश्यापति को आपका इलेक्ट करता है बट जनरली क्या होता है कि कभी कभी वी हैव एविडेंसेस कि राजा ने भी इलेक्ट किया हुआ है ठीक है उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल के बिलो हमारे पास और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंसेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के बिलो एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस को मोस्टली अलग अलग नाम से आप देखोगे विच इज कॉल पत्ता भूमि पत्थका एंड पेथना ठीक है उसके बाद ग्राम लेवल विलेज लेवल पे भी हमारे पास एविडेंसेज है एंड विलेज लेवल पे जो हमारे पास एविडेंसेज है यू हैव टू नो की विलेज लेवल पे वी हैव ग्रामिकास ठीक है एंड वी हैव स्पेशली ग्राम अध्यक्ष एंड मोस्टली कहा जाता है विलेज एल्डर्स भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विलेज मैटर्स में तो एक पूरा का पूरा चार्ट है जो मैंने आपको स्पेशली दिखाया है जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपने दिमाग में रखो तो राधा देन वाकटाक मैंने आपको गुप्ता भी बता दिया है ठीक है अब चलते हैं स्पेशली हमारे वाकटाक एंपायर में सो so, वाकटाक एंपायर अगेन ये एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और प्रांत एंड यहाँ पे स्पेशली जो प्रोविंसेस हैं जो प्रांत हैं उसको स्पेसिफिकली इट वाज कॉल्ड राष्ट्र राष्ट्र को राष्ट्र और राज्यस अब हमारे पास कुछ एविडेंस है कि कुछ ऐसे शिलालेख हैं प्रवर द सेकंड के जो कंफर्म करते हैं कि हाँ प्रोविंसेस जो गुप्ता एम्पायर है वो प्रांत में डिवाइड था और उसको राष्ट्र बोलते थे सो वी हैव सम एविडेंस आल्सो जैसे पकाना राष्ट्र ये ड है बेलोरा प्लेट में भोजक का राष्ट्र ये मैंशनड है चमका प्लेट में एंड वारुचि राष्ट्र ये स्पेशली मैं पंडुका प्लेट में ये सारे इंस्क्रिप्शन के टाइम पीरियड के और ये सब कंफर्म करते हैं कि हां वी हैव एविडेंस कि एम्पायर वाज डिवाइडेड इन टू प्रांत जिसको हम राष्ट्र कहते थे ये और बेसिकली वर विस्ट्रेड बाई गवर्नर्स जिसको हम कहते थे राजधिकृताज प्रांत फर्दर सब डिवाइडेड होते थे देवर फर्दर सब डिवाइडेड ठीक है इन टू विशिय जो फर्दर सब डिवाइडेड होते थे इन टू अहार भोगास एंड भुक्स ठीक है एंड मोस्टली वाका का ग्रांट में एक ऑफिसर्स का नाम भी लिया गया है जिसको हम कहते हैं सर्वोद्या एंड मोस्टली ये सर्वाध्यक्ष कहा जाता है इट वॉज वन ऑफ ऑफिसर हु अपॉइंटेड एंड डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हुली कॉल ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं जो आपको स्पेशली याद रखने हैं प्रांतों को कहा जाता है राष्ट्र उसके बाद दीज आर एविडेंसेस

जो मोस्टली अपॉइंट करते थे और नीचे के जो सुपीरियर्स थे उनको हेड करते थे सो आई होप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ गुप्ता एंड वाकाटाक इज वेरी क्लियर सो क्योंकि क्रैश uh, कोर्स है तो हम लोग इसको शॉर्ट में करें बट क्लास में हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं ठीक है ना मूविंग टू द नेक्स्ट

एविडेंसेस हैं यहाँ पे और ये हिंदी क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा भी एविडेंस दिया गया है सर्वविष्ट परिहार पर ये बेसिकली एक टर्म है ठीक है जो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा इन लैंड ग्रांट्स में तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी लैंड ग्रांट है जो हमें एविडेंस देती है कि भाई फोर्स लेबर नहीं होता था

सो ना सेकंड प्रभावती गुप्त विष्णु सो करेक्ट आंसर हियर इज 1 2 एंड 3 प्रवा सेना द सेकंड प्रभावती गुप्ता एंड पृथ्वी सेना द सेकंड ठीक है सो प्लीज इनको याद रखिएगा अब एक बार इसका एविडेंस देख लेते हैं जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें ये टर्म मेंशनड है ठीक है सो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा पुणे प्लेट्स प्रभावती गुप्ता का स्पेशली हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में एविडेंस देता है जो आपको बताता है कि जिसने लैंड दी है उसके बारे में स्पेशली बात की जाती है कि आपको माइंस के भी अधिकार दिए गए हैुलन शिलालेख जो है पांचवी शताब्दी की वो आपको एविडेंस देती है कि भाई हाँ ब्रह्मदयाल सेटलमेंट्स के बारे में एविडेंस देती है और पूरा पूरा डिटेल मेंशन करती है कि लो जिसने लैंड दिया है जिसको मिल रहा है उसके क्या अधिकार है ये सर्व विषि परमात्मा ये स्पेशली मेन्शन है इन दामी एंड पोनी प्लेट्स ऑफ प्रवसेना द सेकेंड रिद्धिपुर प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता एंड दी मयूरजरी प्लेट्स ऑफ पृथ्वी सेना द सेकेंड ये सब इंडिकेट करते हैं कि जो लैंड है इट वॉज फ्री फ्रॉम फोर्स लेबर सो करेक्ट आंसर हियर इज वन टू एंड थ्री तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ये टर्म है जनरली क्वेश्चन क्या है लैंड ग्रांट्स कौन सी है जो फोर्स लेबर के बारे में बताती है कि फोर्स लेबर नहीं होता है बट दिस ट्रांसलेशन इज ऑल्सो क्योंकि ये जो शब्द लिखा है ये इनके इंस्क्रिप्शन में एक शब्द है विच टेक्निकली रेफर्स टू द फैक्ट कि ये जो लैंड है ये फोर्स लेबर से मुक्त है ठीक है तो प्लीज इसको देख लीजिएगा ये कॉपर प्लेट्स याद रख लीजिएगा क्योंकि जनरली ये कॉपर प्लेट्स आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ सकता है अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो प्रभावती गुप्ता पे दो तीन बार प्रीवियस में क्वेश्चन आए और ये कॉपर प्लेट्स का स्पेसिफिकली उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जिक्र है ठीक है सो ये प्लीज बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड कौन से सोर्सेज हैं और कौन सी किताबें किस सब्जेक्ट मैटर में लिखी गई है विच ऑफ दी फॉलोइंग हियर इज करेक्ट दी अमर स्पेशली आपको बताता है कुछ शब्द जो कॉटन टेक्सटाइल से एसोसिएटेड है इस किताब में आपको टर्म्स मिलेगा वीवर लूम थ्रेड एक्सेट्रा वराह मीराज बृहद समिता स्पेशली डील करता है डायमंड रूबीज और पर्ल्स के क्वालिटी से नारद और बृहस्पति स्मृति स्पेशली आपको बताता है गिल्ड्स के बारे में एंड बेसिकली जो फरीदपुर कॉपर प्लेट है गोपचंद का ये हमें एविडेंस देता है बड़े ट्रेडर्स के जिसको कहा जाता है प्रधन व्यापरणिक सो विच ऑफ दिल्स ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के तो कौन सी किताब है और किस किताब में क्या कंटेंट मैटर दिया गया है कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो सही हैं ठीक है अमर खोश स्पेशली सूरती वस्तुओं से जुड़े शब्दों का उल्लेख करता है जैसे बुनाई करने वाला धागा आदि वराह की वृहद समिता हीरे मणिक मोतियों के बारे में बात करता है नारद और बृहस्पति स्मृति स्पेशली हमें एविडेंस देता है गिल्ड्स के बारे में संगठन के बारे में गोप चंद्र की फरीदपुर प्लेट हमें एविडेंस देता है स्पेशली प्रधान व्यापारिक के नाम पे सो विच ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट कि बड़े बड़े ट्रेडर्स थे बड़े बड़े व्यापारी थे जिनको प्रधान व्यापारिक कहा जाता था सो विच इज करेक्ट सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से ना मल्टीपल क्वेश्चन कवर होंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपका ये कवर हो जाएगा कि भाई कौन सी बुक है ठीक है और कौन सी बुक का कंटेंट मैटर क्या है इस बुक को किसने लिखा है ये सारी चीजें स्पेशली कवर हो जाएंगी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये सारे ही करेक्ट हैं तो अगर आपका ये गलत हुआ है तो प्लीज इस स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे एबसोल्यूटली करेक्ट है ठीक है आप थोड़ा डिटेल में अमर खोष आपको रेफरेंस देता है कॉटन टेक्सटाइल के बारे में जैसे कपड़ा उसका फैब्रिक थ्रेड कैसे बन रहा है क्या बन रहा है ठीक है ये सारी हमें एविडेंस देता है कॉटन कपड़ा के बारे में अजंता पेंटिंग्स जो है ये भी हमें डिटेल रेफरेंस देते हैं गारमेंट्स का ये भी हमें डिटेल रेफरेंस देते हैं टेलर्स का और एम्ब्रॉयडर्स का अमर घोष हमें और भी डिटेल देता है अध पत्थरों के बारे में वराह मीर की बृहद समिता जो है ये रूबीज पर्ल्स और डायमंड्स के बारे में स्पेशली हमें एविडेंस देता है अपार्ट फ्रॉम इट फरीदपुर प्लेट जो है गोपचंद्र की ये हमें रेफरेंस देता है बड़े बड़े व्यापारियों का जिसको स्पेशली कहा जाता है प्रधान्य व्यापारिक प्लस मेटल वर्किंग के बारे में हमारे पास एविडेंस है इन काम सूत्रा दैट इट इज वन ऑफ दोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्सटी फोर आर्ट्स तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना प्लीज उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्लस मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दे दिया है यहाँ पे ठीक है अमर घोष ऑल्सो आपको मेटल्स के बारे में बताता है जैसे गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया आयरन हो गया ब्रास हो गया और लेड हो गया बृहस्पति स्मृति स्पेशली आपको मेटल वर्कर्स के बारे में बताती है जो गोल्ड, सिल्वर या ब्रास मेटल से काम कर रहे थे एंड इंस्क्रिप्शन जो आपको कई बार प्रीवियस तो ये सारी चीजों का स्पेशली एविडेंस है इट्स वन ऑफ स्लाइड फॉर योर एग्जामिनेशन तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा इसको डिटेल तरीके से कर लीजिएगा ठीक है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और इन सारी चीजों को लर्न कर लीजिएगा नंबर फोर्टीन विथ रेफरेंस टू द रिमेन्स ऑफ सूर्य वर्शिप एविडेंस देता है ऑफ बिल्डिंग एंड रेनोवेशन ऑफ सूर्य टेम्पल एट दासपुर बाई गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स मनसोर रिकॉर्ड हमें कहता है कि भाई देव विष्णु जो है इन्होंने स्पेशली एक ग्रांट दिया था फॉर मेंटेनेंस ऑफ लैम्प इन सूर्य टेम्पल तमिल ब्रह्म शिलालेख कहता है कि भाई एक टेम्पल डेडिकेट हुआ था स्पेशली सूर्य भगवान को ऐसा इसमें उल्लेख है सरवंगा जो है एक गिफ्ट दिया था इन दन टेम्पल लोकेटेड एंड अश्मका तो जब हम सन वर्षिप अगर आपने पेपर दिखा है तो शिव वर्षिप पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तो ये उस कॉन्टेक्स में दिया गया है तो जब हम सूर्य वर्षिप के बारे में बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए इंदौर कॉपर प्लेट में रेशम गुनाकारों का एक संघ है स्पेशली जिसके बारे में उल्लेख है मनसौर में एक सूर्य मंदिर के दीपक के लिए ग्रांट के बारे में स्पेशली उल्लेख है तमिल ब्रह्मी शिलालेख हमें एविडेंस देती है स्पेसिफिकली बहुत ही डिटेल्ड एविडेंस रिगार्डिंग सूर्य टेंपल और स्पेशली उच्च कल्प के महाराज स्वर्ग नाग स्पेशली हमें सूर्य मंदिर के बारे में एविडेंस देते हैं सो विच ऑफ हियर इज करेक्ट

बिल्डिंग बनी थी एंड स्पेशली रेनोवेशन ऑफ सूर्य टेंपल हुआ था डाशपुर एंड ये स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया गया था बाय अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स तो ये इनके साथ एसोसिएटेड है इंदौर कॉपर प्लेट स्पेशली बिलोंग करता है टू द रेन ऑफ स्कंद गुप्ता और ये स्पेशली कहता है कि ग्रांट दिया गया था बाय देव फॉर मेंटेनेंस ऑफ लैम्प इन सूर्य टेम्पल इसके अलावा महाराजा सरबंगा जो है इन्होंने एक स्पेशली गिफ्ट दिया था फॉर सूर्य टेम्पल ये सही है एंड एक ग्वालियर शिला है जो स्पेशली हमें मिहिर कुल के बारे में बताती है और कहती है इन्होंने स्पेशली एक एविडेंस देती है कि भाई ये एक टेम्पल बनाए थे जो मोस्टली सूर्य भगवान को डेडिकेटेड था तो ये इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मनसूर इंस्क्रिप्शन पता है सिल्क वीवर्स के बारे में एविडेंस देता है तो इट ऑल्सो टेल्स यू की माइग्रेशन के साथ साथ बिल्डिंग एंड रेनोवेशन ऑफ सूर्य टेम्पल के साथ भी इनका कनेक्शन है

लीजिएगा मूविंग टू द नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू कदंबा डायनेस्टी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है ये डायनेस्टी रूल करती थी इन पार्ट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम 300 टू 400 बीसी

सेक्ट के बारे में बुद्ध संप्रदायों के बारे में उल्लेख है राजा माधव द थर्ड के हलसी जो इंस्क्रिप्शन है इसमें स्पेशली जैन की उपस्थिति का उल्लेख है एंड जो है उन्होंने है उन्होंने स्पेशली एविडेंस दिया जैन तीर्थ के पक्ष में भूमि का so इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है जब हम कदम्बर डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं सो एज यू ऑल नो दिस डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में आ चुका है तो मोस्टली यहां पे

फोर्थ हमारा आंसर बचता है बाय एलिमिनेशन इवन इफ आपको नहीं आता था या बेसिकली आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो गया था ठीक है सो दिस इज द करेक्ट आंसर फोर ओनली अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देती हूं आपको याद रखने कदम्बाज डायनेस्टिन कर्नाटका जो जेनिज्म को पेट्रोनाइज करते थे इनके शिलालेख में यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि इनके शिलालेख में लिखा है इनके शिलालेख में जेन सेक्स का उल्लेख है जैसे निर्ग्रंथा श्वेतापाजनिया

बनावसी इंस्क्रिप्शन जो है इस राजा के थर्ड ईयर में ये कहती है इन द फेवर ऑफ जेन श्राइट जो मोस्टली ब्लैक सॉइल वाली जमीन थी तो ये सब आपको एविडेंस दे रहे हैं कि जब हम कदम्बास की बात करते हैं उनका जेनिज्म के साथ कितना क्लोज कनेक्शन है और ये सारे सेक्ट्स का नाम याद रखेगा क्योंकि हर कुछ इनके शिलालेख में दिस इज वाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म काराशा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली मिडीवल पीरियड रेफर्स टू सो ये बेसिकली जो काराशनास था इसका मतलब क्या है ये रेवेन्यू पेइंग लैंड ग्रांट्स थे ये ऐसे लैंड्स हैं कि आपको लैंड तो मिला बट लैंड के साथ साथ आपको फॉरेस्ट भी मिल गया आपको ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी की नहीं है वो भी मिल गई कोई हिडन डिपॉजिट मिल गया या ये या बेसिकली ऐसे लैंड हैं जो महिलाएं है, फ्यूडेटरीज डायनेस्टीज के देते हैं या बेसिकली ऐसे लैंड है जो टेम्परली ब्राह्मण्स को दिए जाते थे बाद में ले गए तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन सही

शासन किया है ये वो लैंड है स्पेशली जो रेवेन्यू जो रेंट पेइंग लैंड है ये वो लैंड है जहां पे लैंड के साथ साथ खजाना भी मिलता है या ये वो जमीन है जो राजवंश के लोग फ्यूडेटरी या रानियां देती हैं या ये वो भूमि जो दी जाती है बाद में ले ली जाती है सो याच इज करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर हियर इज वन ओनली अब जब भी हम अर्ली मिडीवल पीरियड की बात करते हैं हम लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं मोस्ट लैंड ग्रांट्स गिव यू टैक्स कि हमने लैंड दिया आप टैक्स मत दो हाउ एवर इन दी अर्ली मिडीवल टाइम पीरियड देर आर सर्टन एक्सेप्शन कुछ टैक्स पेइंग ग्रांट होते कि हमने आपको लैंड तो दे दिया अब आप टैक्स दो देवर बेसिकली कॉल एंड मोस्टली कहा जाता है इसके एविडेंसिस हमें बहुत ज्यादा उड़ीसा बंगाल और आंध्र प्रदेश से मिलता है उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो मैंने आपको दिया है बोबेली प्लेट जो है चंद्रवर्मन की वो आपको एविडेंस दे रही है वहां पे स्पेशली लिखा है कि भाई हमने आपको जमीन दे दी अब आपको 200 हंड्रेड पानर्स एनुअली हमें देना पड़ेगा एडवांस में प्लेट जो है प्रभंजन वर्मन की ये भी सजेस्ट करती कि भाई 200 हंड्रेड आपको देना पड़ेगा इंपॉर्टेंटली जिनका नाम था पृथ्वी महादेवा और इनको भी कहा जाता है कि भाई, हमने आपको जमीन तो दे दी अब आपको टैक्स पेमेंट करना है और एनुअल रेंट पे करना है तो यूजअली जब हम लैंड ट्रांसफर की बात करते हैं लैंड ट्रांसफर लैंड दे दिया अब टैक्स एक्जेम्पन है बट देर आर सर्टन एविडेंसिस एक्सेम्पशंस की भाई लैंड दे दिया गया बट अब टैक्स दो और ये कुछ इसके एविडेंसेस हैं और याद रखिएगा उड़ीसा बंगाल और आंध्र प्रदेश में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है फॉर एनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है और जनरली हम आपको लैंड दे रहे हैं प्लस आपको हम टैक्स एक्सेम्पशंस भी दे रहे हैं जनरली आप देखोगे सतवाहनास टाइम पीरियड में हमें इसके बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं ठीक है तो प्लीज इसको याद कर लेना ये एविडेंसेस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो बता रहे हैं कि हाँ भाई इतना टैक्स दिया करते थे अगर लैंड ग्रांट्स मिला है ठीक है सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन With reference to Chalukyas, कौन सी statement है जो सही है? Pulkasin the first is said to have done सेक्रीफाइजेस इंक्लूडिंग अश्मेधा कीर्ति वर्मन ने स्पेसिफिकली लड़ाई की है कदम्बाज ऑफ बनावसी एंड मोरियर्स ऑफ कौनक विष्णुवर्धन एंड विजय द्वितिया जो है ये इंपॉर्टेंट रूलर्स है ईस्टर्न चालुक्यास के एंड ईस्टर्न चालुक्या रूलर विजय द्वितिया द थर्ड मोस्टली कहा जाता है ही वन ओवर पल्लवाज एंड पांड्यास ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राजाओं का नाम दिया है डायनेस्टी का नाम दिया है और इनके पोलिटिकल एविडेंसेस के बारे में बात की गई है तो अगर ये क्वेश्चन सही हो रहा है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि को आपको ठीक है है कहा जाता और यज्ञ किए थे वर्मन बनावसी के कदम, कौन कौन के मौर्य और बेसिकली इन सारे लोगों को स्पेशली हराते हैं विष्णुवर्धन द फर्स्ट और द सेकंड चालुक्या के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं एंड पूर्व चालुक्य राजा विक्रमादित्य थर्ड जो हैं इन्होंने पल्लवार और पांड्यास पे स्पेशली जीत हासिल की थी सो दिस इज अ लिटिल बिट पॉलिटिकल क्वेश्चन ये मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है और अगर आपका ये स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन गलत होता है देन पढ़ते वक्त अब जब लास्ट एक महीना बचा हुआ है तो आपको बस क्या करना है थोड़ा सा ना इन एरिया को रिवाइज कर लेना है कि कोई दिक्कत ना और इसमें ये चारों स्टेटमेंट सही है ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब आप रिविजन करोगे तो ये चारों स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना कौन राज्य है कौन किसके साथ लड़ रहा है कौन किसको हरा रहा है सो दिस इज लिटिल बिट पॉलिटिकल डेटा जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना मूविंग टू द नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू चोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट

स्पेशली so शिलालेख में कुलुतिंगा को शुंगन पवित्र भी कहा गया है देन वी ने स्पेशली अपने राज्य रोहन पर राजा राज का टाइटल लिया था राजा राज और उलाकंड पेरुमल कहा जाता है एंड चोल शिलालेख में स्पेशली राजा को पेरुमल और बेसिकली आदिगल ये सारी टाइटल से बुलाया जाता है सो दिस इज द लास्ट अप्रोक्सीमेट लास्ट तीन क्वेश्चन हमारे बच्चे आई होप यूल गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स और अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया है तो फटाफट से एक्सप्लेनेशन को डिटेल तरीके से देख लीजिएगा एक्चुअली इसमें अगेन सारे क्वेश्चन सही है अगेन मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप इसको लर्न कर लो ठीक है कि कुल टुंगा का टाइटल था शेंगुनम कवित्र इसका मतलब है इंस्क्रिप्शन में कहा गया कि भाई इन्होंने टोल्स को अबॉलिश किया है ठीक है अरुण मोलीवर्मन ने टाइटल लिया था राजा राज का जब वो गंदी पे आते हैं राजा राज इज मोस्टली रेफर्ड टू एज पेरुमल ये प्लीज याद रखियेगा उलकंदा पेरुमल एंड चोला इंस्क्रिप्शन में राजा को वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली को पेरुमल और पेरुमल और अधिगाल भी कहा जाता है ठीक है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट्स आपको आ सकता है सो so प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा टाइटल्स पे तो हमेशा क्वेश्चन या मैच द तो फॉलोइंग आता है ठीक है सो प्लीज डू दिस वेरी वेरी वेल ठीक है ना द बेसिम कॉपर प्लेट ऑफ कौन सा रूलर यूज द टाइटल हरिति पुत्र फॉर प्रवसेना द फर्स्ट एंड धर्म महाराज फॉर सर्वसेना द फर्स्ट सो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन में आपको लर्न करना है दो चीज पहली बात तो कौन सा कॉपर प्लेट है तो उसके बाद हरिति पुत्र किसको कहा गया है एंड धर्म महाराज किसको कहा गया है तो इस क्वेश्चन से आपको चार अलग चीजें लर्न हो रही हैं सो ऑफ फॉलोइंग हियर करेक्ट किसके बारे में बात किया गया किसका कॉपर प्लेट है जो हमें टाइटल देता है हरितिपुत्र फॉर प्रवसेना एंड धर्म महाराज फॉर सर्वसेना शक्ति द सेकेंड शिव स्कंद वर्मन द फर्स्ट और प्रवसेना सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट

भाषा में है नंदी वर्मा विजय देव वर्मा विजय नंदी वर्मा या लक्ष्मण सेना

हमें पता चलता है फ्रॉम पेदावी इंस्क्रिप्शन जो हमें ये कहता है कि इनकी टाइटल है जिसको अनेक संप्रवाद भी कहा जाता है दिस इज हिज टाइटल ठीक है अनेक संप्रवाद विजय ये इनका टाइटल था जो हमें स्पेशली पता चलता है फ्रॉम पेदवागी इंस्क्रिप्शन ओके सो विद दिस वी एंड द सेशन आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हमने बहुत कुछ किया है जो भी पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज है स्पेशलीस गुप्ता डाइनेस्टीज है और ये जो स्पेशली हम अर्ली मिडीवल डायनेस्टीज पढ़ते हैं तो मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम दो ही चीजों में होता है ज्यादा से ज्यादा एक तो भाई जो वुमेन हो गई दूसरा कौन किस रिलिजन को पेट्रनाइज कर रहा है ठीक है तीसरा किसका कौन सा इंस्क्रिप्शन है ओके देन मोस्टली देर इज अ पोएम कोर्ट कौन है किस पोएट कौन कोर्ट पोएट किस राजा का है किस कोर्ट पोएट ने स्पेशली कौन सी किताब लिखी है कौन सी किताब किस बेसिकली भाषा में है ठीक है इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली लिस्ट ऑफ द बुक्स लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स उसके बाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स के साथ दूसरी जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है इट्स पॉलिटिकल dynasty based factual question plus theory questions political dynasty based factual question और कहीं ना कहीं आज के सेशन में हमने इस हर चीज को कवर अप किया है मेकिंग श्योर दैट यू गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम वुमेन टू रिलीजन टू इंस्क्रिप्शन टू कोर्ट पोएट टू इंस्क्रिप्शन टू बुक्स ईच एंड एवरी थिंग टू टर्म बेस्ड क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलता है टू इंस्क्रिप्शन प्रॉपरली जो वुमेन रिलेटेड हो गए ठीक है ये सारी चीजों को हमने आज के क्लास में खत्म किया है सो प्लीज मेक श्योर यू लुक एट दी क्वेश्चन प्रॉपरली प्लीज मेक श्योर यू लुक एट दी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली

ज मौर्य मौर्या गुप्ता पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडीवल खत्म कर लिया है सो डू रीड द एक्सप्लेन डू सॉल्व द क्वेश्चन एंड प्लीज हैव अ ब्लास्ट स्टडी वेरी वेरी वेल ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन